घी मिलना आसान है, पानी मिलना। ये सब जो बाहर उठाने से उसका बच्चा गिर गया। पानी की कमी। अच्छा तो ये रेत बनती नहीं है बिना पानी के। वो क्या बनाया? टांका। तो वो टांका क्यों बनाया है? क्या होता है टांके से? टांके के अंदर पानी डाला जाता है, हमारे कपड़े धोने के काम आता है, नहाने के काम आते है, पीने के काम आते है, और कुछ भी कर सकते हैं, सब्जी बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो इस टांके में पानी है? टांके में अब डालेंगे। डालेंगे कहाँ से लाएंगे पानी? घर से छुप के। छुप के क्या? क्योंकि मम्मी डांटेगी, मम्मी कहेगी पानी की कमी, वैसे भी आप ज़्यादा पानी लेंगे तो। भारत का पांचवा सबसे बड़ा ज़िला बाड़मेर, जिसकी पूर्ति दो शब्दों के बिना कभी नहीं हो सकती, एक है रेगिस्तान और एक है पानी। यहाँ के यदि गांव के किसी इंसान को आप जब ये कहते हैं कि दुनिया में समुद्र नाम की चीज़ होती है तो वो विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे ये लगता है समुद्र तो ऐसा ही होता होगा, रेगिस्तान ही होता होगा जहाँ सिर्फ मिट्टी होती है। हम ये विश्वास नहीं कर पाते कि हमारे इतना पानी भी दुनिया में हो सकता है। थार डेजर्ट, जिसकी पहचान इस रूप में भी की जाती है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। राजस्थान के जिले बाड़मेर में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर जानेंगे कि 85% थार जो भारत में पड़ता है और 15% पाकिस्तान में पड़ता है, उस थार की वजह से, उस गर्माहट की वजह से यहाँ पर लोग पानी के लिए क्या जद्दोजहद करते हैं। बाड़मेर और जैसलमेर सीमावर्ती जिले हैं और इन जिलों में बहुत सारे लोग दूर दराज और ढाणियों में, गांव में उनकी बसावट है। यहाँ पानी की प्रॉब्लम आज से नहीं, मतलब सदियों से चली आ रही है। मैं अपनी शुरुआत एक गांव में गई और रात मैंने वहाँ पे बिताई और मैंने देखा कि सुबह लोग उठकर खाली हाथ महिलाएं बाहर जा रही हैं, तो मुझे लगा कि सब सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। मन में ख्याल था कि निपटने के लिए जा रहे हैं वन में, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो कि वन जा रहे हैं, मैंने कहा खाली हाथ बिना पानी के, तो बोला कि पानी तो है नहीं, मिट्टी से काम चलाते हैं। बीज भरो भर जल प्रगण, ओ बीज भरो भर जल प्रगण, नदिये खलू कतनी
कतनीर। पानी यहाँ तो एक तो बहुत गहराई में था, करीब 600 पुरुष जिसको कहते हैं, और वो भी खारा सलाइन वाटर। और कुछ ऐसे गांव हैं जैसे आरबी की गफन, वहाँ पर पानी खारा था और पशु भी उस पानी को नहीं पिए, पक्षी नहीं थे पानी के अभाव में। और घर में जब पानी आता था तो लोग पानी को भरकर और उसके ऊपर ताला लगा देते। सूखा सरोवर कौन भरे, अरे राम भरो रघुवीर। महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता हो ना हो, लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है, चाहे 5 साल का बच्चा हो चाहे 90 साल की महिला हो, बस पानी लाना है। सावली रे कोठड़ा रे उपाड़ी रे हे उपली रे हे पणे, अरे नो रे। यहाँ पे सिर्फ 3-4 बारिश होती है, आज भी यही हालात है। आज भी हमारे जो जल स्रोत है गांवों के, वो सूख रहे। हिरण दोनों आपस में इकट्ठे हो गए और उनको प्यास भयंकर लगी हुई थी, पानी के लिए तरस रहे थे, कब पानी मिले और पिए और वापस जंगल में जाओ। और उसका पानी थोड़ा और उनका प्रेम बहुत ज्यादा, अगर तुम पियो, मैंने आप पियो तुम पियो, करते करते वो पानी धरती चूस गई और वहाँ दोनों उनके प्राण निकल गए। तू पी करते तज गए प्राण। 21वीं सदी का हमारे 1/4 पार्ट चले गया है, 25 ईयर्स चले गए हैं, 75 भी और चले जाएंगे। ये टंकी बनी हुई है, इसमें अभी तक कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले 50 ईयर्स तक भी हमें पानी नसीब होना मुश्किल है। अंदर जाके आप पूछेंगे कि भाई आपको पानी को लेके कितनी दिक्कत है, तो उनको अंदर अंदर उनको रोना आता है। कमाने वाला 1 और पानी पीने वाले 10, और पानी आपको भर के लाना पड़ेगा। और पानी आसपास में नजदीक में कहीं नहीं। भाई नल है बेरी है जे ये भरान पिया ये जो नल नको नलके नको नलके नको बीजे मेरो का अति कटियोड़ी है नदी। पति प्रस्कोस जाए हुआ गेसनो मथे करे
तरन जाने वो कोस्त न उगना परतन ताने जा ताने पानी मटके मेनो आ मटका बे भरा एक भरा ओ मैंने वेरी मैंने पानी आखर बंद तेरी जरे हमें जाने बीच जाने भरे आई तो तीन जाने ओ भला बैठ जो ओ भरे गए हम ऐसे की भरा जरे हमें घंटो डोड़ घंटो ओ तो बेसा बेरी में थे बेसा आखरी जे पानी बेरी मैंने पानी थे हमें कितो थे हुए तो बे मटका तीन मटका पानी थे हुए जरे ओ पानी आखरे जरे ओ असन तीन जाने बड़े भरिया। बाड़मेर के बॉर्डर एरिया में आपको बहुत सारी बेरियां मिलेगी। बेरियां बेसिकली एक बड़ा एरिया जिसे ताल कह सकते हैं, उसके बीचों बीच में बेरियां बना दी जाती थी ताकि पूरा का पूरा पानी एक एक बूंद उसके अंदर कंजर्व हो जाए। बेरियों का सिस्टम ऐसे था, जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा ताल है उसके अंदर 10-15 बेरियां बना दी गई। पहले जैसे ही ज्यादा बारिश होगी तो बीच वाली बेरी भर जाएगी, फिर जैसे ही वो ओवरफ्लो होने लगेगी तो दूसरी में पानी आ जाएगा, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में। लेकिन जैसे जैसे गर्मी होता है पानी नीचे डाउन जाता है, उसके अंदर में रिसाव के रूप में पानी आता है और इससे उसके पानी आ जाता है, भर जाता है वापस। 4-5 घंटे में आपको वापस 100 लीटर 150 लीटर पानी और एक बेरी में फिर से मिल जाएगा। इन बेरियों में जो पानी इकट्ठा होता था उसे हम 3 से 4 साल तक यूज़ करते थे और आज भी वो बहुत सक्सेसफुल है। गांवों में अभी भी जहां ये बेरियां बिल्कुल सही स्थिति में है वहां पे आज भी ये पीने के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है और इसका जो क्वालिटी होता है वो मिनरल वाइज ज़्यादा मिनरल होते हैं, क्वालिटी नहीं होता है। और उस ज़्यादातर बेरी सैंड्यून्स में बनती है, स्टोन्स में नहीं बनती। जहाँ स्टोन होगा वहाँ कुएं बनेंगे, वहाँ बेरियाँ नहीं बन सकती। जहाँ बेरियों का एरिया जहाँ पार है उस जगह आपके तालाब और कुआं खोद नहीं सकते क्योंकि उससे नीचे जाओगे तो पानी मिलेगा नहीं। वो पानी कम से कम 400 से 1000 फीट तक पानी नीचे होता है, जबकि वो भी बहुत बड़ा खारा पानी होता है। पशु पी सकता है, कपड़े धो सकते हैं और घर के काम काज में ले सकते हैं, लेकिन पीने लायक पानी वो नहीं है। पानी नहीं पी रहे, पानी खा रहा है। क्या डाल रहे हो आप? आटा डाल रहे। आटा डालेंगे तो पानी पिएगा। वैसे तो अपने पीने के लिए कैसे करोगे? अपने लिए दूसरी बेरी में लेके आते। बाड़मेर के अंदर 2 तरह के कैनाल का पानी आता है। एक इंदिरा गांधी नहर का, जो पहले गंगा सिंह जी ने बनाई थी बीकानेर महाराजा ने, वो बाद में इंदिरा कैनाल कहलाती है, वो आता है जैसलमेर तक, उसी से पाइपलाइन से शुरू होकर वो पानी आता है हमारे यहाँ सिटी तक। लूनी रिवर अजमेर से निकला करती थी, अजमेर से निकल के वो सीधा पाली होके आती थी। तो लूनी जो हमारे लिए आज से 40 साल पहले मतलब अपने आप में लाइफ लाइन थी, मरु गंगा जिसे कहते थी, वो आज हमारे लिए नहीं है। इतनी पॉल्यूटेड है कि उसमें फिश भी नहीं होती है, मतलब कोई क्या बताऊं आपको, कोई जानवर भी उसका पानी नहीं पीता है। क्योंकि सरकार ने केमिकल इंडस्ट्री को इजाजत दे दी, टेक्सटाइल को इजाजत दे दी, तो उस टेक्सटाइल ने और जो सिटी के नाले हैं, जो वेस्टेज नाले हैं, वो सारे लूनी में उन्होंने डिस्चार्ज कर दिए। इंडिया का सबसे हाईएस्ट मिनरल बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ लिग्नाइट है, जहाँ बेंटोनाइट है, जहाँ ग्रेनाइट है, जहाँ क्रूड ऑयल्स है, नीचे फ्रैकिंग हो रही है, बड़े हाई लेवल के केमिकल्स डालते हैं। वो केमिकल्स डालते हैं, वो क्या क्रूड को एक जगह इकट्ठा करके बाढ़ निकालने के लिए काम आता है। वो केमिकल्स धीरे धीरे बुशेज में, हमारे रिवर्स में, जमीनी पानी में, वाटर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके कारण उसका टेस्ट बदल रहा है, उसके कारण पॉल्यूटेड हो रहा है। लोगों के दांत पीले हैं, दांत एकदम ब्राउन हुए हैं लोगों उस पानी की वजह से, और फ्लोराइड के पानी से हड्डियों पर भी असर पड़ता है, जल्दी लोग झुक जाते हैं, उबड़े हो जाते हैं। जहाँ जहाँ इन बेरियों की ढंग से सफाई नहीं हुई तो वहाँ पे पीने के पानी की ज़्यादा प्रॉब्लम अब आज के टाइम में हो गई है। बारिश आएगी ना तो इधर से पानी आएगा ना, वैसे
तो पानी के साथ में आएगा मिट्टी। अच्छा। मिट्टी रेत आएगा तो फिर ये धंस जाएगा। देखो अच्छा। अब ये कम से कम 60-70 फीट ये गहरा था जी। और अभी ये देखो 5-10-15 फीट है। अच्छा। तो क्या इसके अंदर मिट्टी धस गई। अगर इसकी पत्थर जा जाकर जितनी गहराई है वो कम कर देता है तब इसका पानी बंद हो गया। इसके अंदर हम पानी इसके अंदर पीते थे पहले, कोई काम का नहीं है। नाम मात्र का ढांचा रह गया क्या इसकी जगह ये बेरी है, इतना पता चल रहा है अपन को इसके अंदर क्या है, मिट्टी है, पानी है नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बेरियां है जो हमारे बुजुर्गों के टाइम की बनाई हुई है। जो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ हमारे यहाँ का वाटर कंजर्वेशन था वो सोनिया चैनल है। सोनिया चैनल बेसिकली बेरियों का ग्रुप है। पहले तो ये थी, इस प्रकार का ढांचा था और उसके बाद में तो ये बनवाया, तो इससे तो हमारे को बेनिफिट ही हुआ है, यानी क्यों है ये बेरी है ना ये लंबे टाइम तक चलेगी। तो ये बेरी बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक तो ये हाइट पे बनाई हुई है, जमीन से हाइट पे बनाई हुई है, तो मिट्टी और पत्थर किसी भी प्रकार से कोई भी अंदर नहीं आ पा रहा। इससे जितनी बनी हुई वो सभी सरकार के द्वारा बनी हुई। अभी ये ढांचा तो बना दिया उन्होंने लेकिन इसके अंदर जो बेरी के अंदर मिट्टी थी ना वो बाहर नहीं निकाला। अगर इसके अंदर की मिट्टी बाहर निकालते हैं तो पानी और बढ़ जाता। मीठा पानी इतना ही है इसके अंदर अंदर। अगर इसके अंदर आप है ना वो हेडपम्प बोलते हैं ना उसको वो खुदाई कर दो, उसके अंदर पानी खारा है, मीठा नहीं आएगा। लेकिन ये ऐसा है ना कुएं, ये खुदाई करेंगे ना 60-70 फीट तो पानी मीठा है। पहले क्या है कुछ गांव में तालाब हुआ करता था, तो पहले तालाब से पानी सिर्फ घर के लिए ऊंट गाड़ों से या बैल गाड़ों से ले जाने का इजाजत था। लेकिन अब नई टेक्निक्स आ गई है ना, टैंकर। तो गांव वालों ने क्या कि इसको एक प्रोफेशनल बिजनेस बना दिया। मजबूरी है मतलब हम लोगों की, सरकार हमें सप्लाई नहीं देती थी। टैंकर की सप्लाई यहाँ पे दो तरह की होती है, एक होती है निजी और एक होती है सरकार सप्लाई। निजी में ये होता है कि वहाँ के नोकल जिनके पास ट्रैक्टर है और उसके पीछे टंकी लगी होती है और उस टंकी का जो पानी उसमें आता है वो 4500 से लेकर 5000 लीटर का पानी का वो टंकी होती है, और वो व्यक्ति खुद अपने व्यवसाय के तौर पे बिजनेस के तौर पे वो चलाते हैं। आपने कोई और रोज़गार नहीं तलाशा, क्या पढ़ाई की हुई है? रोज़गार मैं बीएड हूँ, बीएड कर रखा है मैंने। अच्छा। और सेकंड ग्रेड की तैयारी भी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। अच्छा, तब तक जब तक आगे कोई नौकरी की बात नहीं बन रही तब तक आप ये तब तक तो मेरा ये जुगाड़ है, यानी घर का खर्चा भी जुगाड़ चलता रहे। तो ये कितने समय पहले आपने काम शुरू किया? मैंने 2016 से कर दिया। ऐसे पार हैं जिनमें कम से कम 50-60 बेरियां हैं, तो एक बेरी से पानी भर दिया, फिर मशीन से दूसरी बेरी में चले गए, फिर तीसरी में चले गए, तो वो 3-4 बेरियों को मिला के वो टंकी एक 5000 लीटर की भरी जाती है और वो भर के फिर वो जाके सप्लाई करता है। Hey! What? You know 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 what?
सरकारी टैंकर कब से चल रहा है? एक महीना हुआ है। और कितना लीटर पानी आता है? 20,000। इस गांव के लिए कितना आता है? गांव में एक महीना में दो टैंकर आते हैं। डॉक्यूमेंट में तो पर डे एक टैंकर दिखाया जाता है, लेकिन महीने में पहुंचता एक टैंकर। अच्छा, तो ये कितना खर्चा लेता है लगभग? ये खर्चा 4,000। कम से कम 10-12,000 रुपए आप एक महीने का सिर्फ पानी के लिए? एक महीने का 12,000 खरा, बहुत तंगी है। और उसकी कितनी कीमत पड़ती है ट्रैक्टर की? उसकी एक की 1500 पड़ती है, उससे ये सस्ता पड़ता है। हाँ, क्योंकि अगर वो 4 या 5 गुना भी अगर आप कहें तो वो 7,000-8,000 में आता है, ये 4,000 में आता है। तो आप टैंकर से पानी नहीं खरीदती? ये टैंकर 6,500 रुपये ले खरीदती, पैसा वो नहीं तो खरीदा क्या है? ये तो पैसा भेड़ो भाई बहन जी रोज का लिया। अब 500 रुपये हर महिला के पास तो नहीं है यार, परिवार के पास में नहीं है तो उतना पानी नहीं डलवा पाते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है। फिर उनको पानी भरने के लिए दूसरी जगह ही जाना पड़ता है। ऐसा ना खारो पानी खारो है के का मोरा और भरे लिया 1,000 रुपया ले ट्रैक्टर टंके 1,000 रुपया दिया खारो हुआ जी भी गोदा पीजे कुछ लोग वाटर हार्वेस्टिंग भी किया करते थे, जो अपने छत का पानी एक टैंक के रूप में, हमारे यहाँ टैंक बनते थे जिसको हम टांका बोलते हैं, हमारे अंडरग्राउंड टैंक बनता था, बड़े साइज के बनते थे, बारिश का पानी हम उसको इकट्ठा करते थे, लेकिन उसका यूज होता था सब पीने के लिए। जैसे गांव के कोई ढलान वाली जगह होती है वहाँ पर जमीन के अंडरग्राउंड 10 या 12 फुट गहरा करके उसके अंदर सीमेंट से उसको तैयार करके उसकी ढक्कन वगैरह लगा देते हैं और उसके लिए आगोर बनाते हैं। बारिश का पानी अंदर आएगा बाहर नहीं जाएगा, और वो पूरा का पूरा जाली वाली लगाता है ताकि उसमें डस्ट ना जाए। वो पानी पूरा बारिश का इकट्ठा होता है और वो पानी सीधा का सीधा टैंक के अंदर जाता है। एक टांके हैं जो सार्वजनिक टांके, एक टांके हैं जिनका आगोर नहीं होता है, नॉर्मली अपने घर के आस पास में ही बनाते हैं, जिसकी साइज 10x10 या 10x12 होती है। उसमें वो लोग बाहर का पानी जो भी टैंकर डलवाओ चाहे ऊंट पकाल से लाओ वो लाके डालो और उससे अपने पूर्ति करते हैं। सरकार ने कभी टांके नहीं बनवाए? अरे टांके ही भरे तो बजे सरकार से मटका लेके ना गुण भरे। नई शादी हुई तो उसके तो कोई पानी वगैरह भरेड़ा नहीं, सास के घर आ गई, परंपरा रीत के अभी बेंदनी सा पानी ना चालू। तो मैं बाड़मेर में पढ़ी लिखी, मतलब शहर में रही, यहाँ पर आई तो हर दूसरे तीसरे दिन में मटका फोड़ देती थी, कभी पग टेढ़ा हो जाता था, वो मिट्टी के होते थे ऐसे नीचे उठाते तो गिर जाता था, तो फिर ताने तो सबकी सुननी पड़ती थी कि इसके बाप ने इसको सिखाया क्या, क्या पानी नहीं डाल सकते। मटको ले पानी न गई बीनरी, कुओं पड़े किलोमीटर आगे, वो कह किलोमीटर आगे कुओं पड़े, हूँ इतनी पानी लाऊं तो मेरे को परेशानी है। एक दिन में 2 बार जाते हैं मटका भरन, 2-4 मटका भरया, उसके हम कपड़े धोते हैं और बर्तन धोते हैं, बर्तन आ पानी को रखते पचे बकरी को पिलाते हैं। 10 लीटर मटका काजेगा 20 मटके महिला गिर जाती है तो महिला क्या करेगी, छोटा ही मटका करता है। वापस आ गई तो उसके थोड़ा थोड़ा ये कमर में पैरों में दर्द हो गया, शरीर दुखे गोदा दुखे, एक गे नहीं खड़े जाए पानी बिंद भरिया उन मते पानी ना चाली पैरों में
यहाँ से यहाँ दर्द होता है, सीने में दर्द होता है, हाथ में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। एक बचपन से हैबिट होती है, जब लड़की थोड़ी बड़ी होती है तो पानी लेने जाती है माँ के साथ। अच्छा 60 बरस थे, 60 बरस रिया जिके वजह भराज पे पाने दीम 4 गेड़ा 5 गेड़ा 6 गेड़ा करे जाऊं, मते मते खड़े ले जाऊं, उतो पिए बड़े ले जाऊं। पास्चर जो है ना बॉडी का, उस पे बहुत उसका वेट पड़ता है, और तो हालांकि उनको सारा हैबिट है कि हम ये सब कर रहे हैं, इसलिए वो महसूस नहीं करते, लेकिन उसके प्रभाव उनके शरीर पर पूरी तरह से पड़ते हैं। मैं 80 साल की माँ, 90 साल की है, ये मटका भर चल रही है। जी बच्चा था ही नहीं, माई पोतरी बैठो कोई नहीं मिलकी है, वो लड़को गए गुरु इधो बच्चू है, हमें नहीं खाना तो क्यों खड़े आए। भूख मारे मरी 30 मारे मरी तो मरी को 5 गला 5 गला धापे कोई नहीं धापे विशेषकर उनके गर्भाशय पे इसका असर पड़ता है। कितने महीने का पेट से? 7 महीना। और कब तक जाओगी ऐसे? 8 महीने। 8 महीना का? हाँ। फिर जब बच्चा हो जाता है उसके कितने बाद दिन बाद जाती है? महीना बाद। हाँ। 4 डेम जाऊँ उठी जाऊँ, 4 मटका भरिया हूँ, 2 मटका भरिया हूँ। प्रसव होने के बाद तुरंत उनको काम करना पड़ता है, और बोझ उठाकर पानी लाना, दूसरे मजदूरी पे भी जाना, तो उसके वजह से उनके जो उनका प्रिलेप्स की बीमारी बहुत ज़्यादा, गर्भ का बाहर आ जाना। धारिया ने बोला बेंदनी पौनी रहा, 3-4 चक्कर किया तो उसके ये बच्चा आ गया नीचे। शरीर में दर्द होता है और सिर पर दर्द होता है, सिर में नड़े पर दर्द होता है, नड़े में बच्चादानी खराब होती है, उसके ऑपरेशन कर निकाल दिए। माँ ने उसे 7 दिन से, 7 दिन हाँ, 3 लिख उसे 3 ने शरीर में, उसे 3 ने बदलाव करा, जैसे 3 ने अंग में यूसे माँ बार को हुए पछे आपो आप मैं जाने बड़े आने वाले हुए, तो जैसे माँ ऊटा कैसे उठ गया हुए बचे मरा तो भला और मरा लेन गए वही चाहिए। 15 महीना हुए न तो बचे वो गबो बदलाव तो स्नान करा, जैसे बदला हूँ बदला कम कौन बदला कौन हुए बार जो हुए तो बदला। जगह स्कूल की है, स्कूल अभी तक बनी नहीं है, अभी तक स्कूल इसमें बनी नहीं है, ना ही तो कोई स्कूल में टीचर है, नहीं तो कोई पानी की सुविधा हमारे गांव में है। कोई बैठते हैं? नहीं कोई कुछ नहीं, टीचर है तोड़ दी, कोई टीचर भी नहीं है। दस किलो 15 किलोमीटर दूर में पढ़ाई करने जाते हैं, हमारे गांव कोई भी स्कूल व्यवस्था नहीं है। पांचवीं तक स्कूल पढ़ रही थी और मंदिर से हम कुरान मजीद पढ़ रही थी, और उसके बाद में पानी भरना कोई है तो बंद, यानी पानी भरने लगी बजे स्कूल छोड़ गई पानी से। फिर 7 बजे स्कूल जाते थे तो 7 बजे हम घर मटका भरने जाना पड़ता है, तो हम दोनों कैसे करते, फिर मटका ही भरने जाते, स्कूल तो हमारी दूर है। Thank you.
अच्छा लगता है ये काम करना? नहीं। क्या अच्छा लगता है? सबसे अच्छा पढ़ाई, उसके बाद में ये तो मजबूरी में काम कर रहे हैं हम। जरा वो बड़ा बेजड़ा हो जाए, जरा से का मेला है उन्होंने बेजड़ा बेजड़ा जोरी जाए तो जोरी जाए जाए उठ जाए ले अखर ले पछा आए बेजड़ा रोटी गड़ी उड़ी कोने रुकता मरा माए बैठे पार पानी भरे वो बेजड़ा भूख मरता की करे। कितने बार आती हो पानी भरने? तीन चार बार आऊँ जी, ब्रांड एरिया सुबह से सुबह शाम आओ भरे जाओ पैसा पैसा खाना खाई पी भले बचे आओ। और माई तरह पढ़ाएंगो नहीं पछे घर बालना पढ़ाएंगो नहीं क्या ना पाने भरे आओ तो पिया घणे दुख है हाणे ये तीन दिन जाने ये मटका इतना माया में खजा से असी नेवरा उमर है इते में घणो जुलम है जुलम नी है तो अभी वो सो भी था तो कोई नहीं है मुझे करो तो वाह नहीं करो तो बंद बंद जो की है ये जाल है। जहाँ आप बॉर्डर पे आप चले जाइए वो टैंकर नहीं कर सकते हैं और उनकी लाइफ बड़ी दयनीय है, लेकिन वो पानी का यूज़ जो करते हैं ना वो एज ए मिल्क करते हैं, जैसे हम घर में दूध का उपयोग करते हैं, घी को यूज़ करते हैं, जो हमारे घर के बहुत जिसको वेस्ट नहीं करते हैं वो उस तरह से पानी को यूज़ करते हैं। पहले कहावत हुआ करती थी कि दूध मिलना आसान है, घी मिलना आसान है, पानी मिलना मुश्किल है। आप पानी मत मांगियो, घी ले जाइयो मेरे घर से, दूध ले जाइयो। घी हमारे लिए सस्ता था और पानी बहुत महंगा था, और घी पी करके हमारे बुजुर्ग गाते थे। हरे राम में तो रे अमली हरि रे नाम रा तुझ बिन बायड़ आवे हरे पहले की बात करूं मेरी बहन के घर गई मेरी ये था मेरी बहन का घर है छोटी वाले मैंने कहा दीदी आप भी आधा तंबड़ा पानी दो पानी मांगे मत ऑन जो लाइजे बीजो थू मांगे जो को ले जा पानी मारे हम पानी में हम लाइजे पानी कोई नहीं देगा चीज दे देगा अपने घर से कहीं पानी है नहीं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं अल्लाह आपकी एक दुआ कबूल करेगा क्या दुआ मांगोगी? अल्लाह अगर पाने थे शादी थी भराज भाई ए तांबेड़ो ए बेरी ए माँ जिगे वजह माँ भरे भरे बूढ़ी थी वरी अजा मार आया तांबेड़ा निकरा नहीं खिरा बोला तो दुखे मैं माँ ना जान कर दी सुख पास पियर मियाँ जिगर माँ जो की हूँ तो ये पार भरान पिया पियर धन गणो वे माँ जे कमरों को तो आप सोचिए क्या ये मेरी गलती है कि मेरे पूर्वजों ने वहाँ मकान बना लिया बाउंड देते हमारा वो करेगा हमारा वो करेगा हमारा वो करेगा बाउंड दे जाता नेता फ्री होगा
नहीं तो आप काम चलाएगा, ये गांव वाला कोई पहचानता नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत बड़ा एग्जांपल सेट करता है कि देखिए बाड़मेर के रेगिस्तान में 50 किलोमीटर दूर एक वोट लेने के लिए हमारी टीम गई, तब तो पूरी दुनिया आपकी वाहवाही करती है। पढ़ना चाहती थी? पढ़ना बहुत चाहती थी, क्या करें आप, फिर मटका तो भरना ही पड़ता है, खाली पढ़ाई तो काम नहीं आएगी। तब आपको शर्म नहीं आती जब वहाँ के 40,000 लोग बिना पानी के रह रहे हैं और आपके सिर पे जूं तक नहीं रेंगती? मैं पढ़ाई करके टीचर बनना चाहती थी। पढ़ाई छूट गई, पढ़ाई छूटने के बाद से क्या काम करती हूँ? पानी भरती थी। आज भी बाड़मेर के बॉर्डर एरिया के अंदर पानी की लाइन बिछाई ही नहीं गई है, अभी तक उनका प्लान जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं किया गया है। बहुत सारा तो ऐसा एरिया है जहाँ पे प्लान ही नहीं बना है। टंकी का ही निर्माण हुआ, साथ में जो पाइप लगनी थी जिसके द्वारा पानी उस टंकी तक पहुँचना था और टंकी से गांव वालों तक पहुँचना था, वो पाइपलाइन ही नहीं बिछी। हमारे तो उम्र यहाँ चलेगी 20-25 साल से, हमारे गाँव में कोई व्यवस्था आई को? मोदी जी ने भी कहा था हर घर नल होगा हर घर पानी होगा, लेकिन यहाँ तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यदि हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से कम 3,000 से 4,000 लोग हर साल अपनी जान गंवा देते हैं एक्स्ट्रा पानी की वजह से। वहीं यदि हमारी इस राजस्थान की बात करें तो कम से कम साल में 20 से 25 लोगों की मौत बिना पानी की हो जाती है। तो जैसे ये नदियों को जोड़ने का कॉन्सेप्ट है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए इंसान के लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती, उनको लगता है ठीक है यार जोड़ दी तो ठीक है, नहीं भी जोड़ी तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है। अभी ये बच्ची है जसपूजा, तो इसको भी इसे बोलते हैं पानी लेना पहले से सीख ले, दूसरे के घर जाना है, पढ़ाई नहीं जरूरी है, कुछ जरूरी लेकिन पानी लाना है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 21st century चल रही है हमारी, और लोग कह रहे हैं कि हम चांद पे पहुंच गए हैं, मंगल पे पहुंच गए हैं, और हमने विश्व में हमारा नाम है, पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। और अभी भी यदि हमारे यहाँ के एरिया के लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करना चाहिए। मेरी बेटी इंजीनियरिंग है, वो भी सुबह 10 मिनट का पानी लाती है। हमारे यहाँ चलेगा, मेरी मम्मी का यहाँ चलेगा, मेरा यहाँ चलेगा, हमारे औलाद का ऐसे चलेगा, क्या करूं? पानी डो बरसा दे मारा राम रे, उभी जो थारी बात रे, पानी डो बरसा दे मारा राम रे। बुरा काम लगता है, बहुत बुरा काम लगता है, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं। ए बबलिया उड़ घर दीजे, किस काम में मजा आता है? आराम में। अरे भेड़ लो मारो रे, ओ भेड़ लो मारो रे, भेड़ लो मारो रे, ओ भेड़ लो मारो रे, भेड़ लो मारो जल सोना भरो, भेड़ लो मारे खाली ना गेरे, भेड़ लो मारो जल सोना भरो, मारो खाली लागे रे। आज उत्तर मोरे अब दूध मोरे सा, आज उत्तर मोरे अब दूध मोरे
बाबो सारो देश बिलो मारो जड़ सो भरो अरे बिल से मारे बाबो सारो।